लॉकडाउन शुरू हो चुका है, समय आज से निकला जा रहा है। इतना कम समय, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक, सोचते रह जाते हैं क्या करें, कैसे करें, किससे पढ़ें। इन सारे सवालों का जवाब अब आ गया है वेलकम, नमस्कार, स्वागतम, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, पता नहीं क्या बोलते जो भी है। ठीक है, आ जाइए। हम देखो मेन चीजें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी करने वाला है शुरू, इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे तो करने क्या है, मेन चीजें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो हम मस्ती करने वाले, पूछ ज्यादा क्वेश्चन के साथ ट्रिक्स के साथ हम बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं। ठीक है, जब हम मिरेकल्स करेंगे और कैसे फास्ट कर सकते हैं वो ट्रिक्स यहाँ अप्लाई करेंगे। मैं अलग से एक अमेजिंग ट्रिक्स वाली वीडियो बना दूंगा, तुम ट्रिक तो सीखे, कहाँ अप्लाई करना है पता नहीं अपने को। तो मैं सीधा से ये सोच रहा हूँ जो न्यूमेरिकल होगा उसके साथ हम ट्रिक भी लगा देंगे कि ये यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, वीडियो क्वालिटी सब झक्कास आएगी। सीधा से एक पता, एक मस्त तरीका बताऊं, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। तुम ऐसा काम करो बहुत प्यारा सा। ठीक है, पहले बात तो सारे दुख दर्द हटाओ अपने। ठीक है, पहली बात तो सारे अपने दुख दर्द हटाओ। ठीक है, दुख दर्द हटाने से सीधा सा मतलब है, अगर मेरे पास, मैं सीधी सी बात बोलूं, ये मेरे पास एक ये डस्टर है। ठीक, डस्टर है, सपोज ये 10 किलो का है, मैं शुरू में उठा लूंगा। ठीक है, उठा लिया, उठा के रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली दर्द करने लग जाएगा हाथ। ठीक है, मैम ने बोला, सर ने बोला, हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। ठीक है, बिल्कुल खड़े हो गए, शुरू में तो ऐसे खड़े होंगे साइंस आगे तरफ, बिल्कुल यूं बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी देर बाद यूं, फिर समझ लो इतना कोशिश की किए रखे, कहना क्या चाहता हूँ, सीधी सी बात यार, जो आपकी परेशानियां हैं, आपके दुख दर्द है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ सब भूलो ना यार, एक नई शुरुआत करते, एक नई चीज से शुरुआत करते, एक नई तरीके से मजा लेते हैं ना, मजा लेते हैं। अगर सब यहाँ पे मैंने कुछ पकड़ लगाया, शुरू में इतना मेरे को वजन नहीं लगा, शुरू में मेरे को यहाँ पर कुछ भी वजन नहीं लगा, इस जो डस्टर है इसका कुछ भी वजन मेरे को नहीं लगेगा, पर थोड़ी देर बाद हाथ दर्द करने लग जाएगा, तो फेंको ना इसको यार, फेंक दो, आगे बढ़ो, ना कोई दर्द ना कोई शंका। इसी के साथ एक मस्त तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करते हैं। सीधी सी बात, दो इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें हम करने वाले हैं। बात क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी में, एक तो थ्योरी देखने वाले हैं, दूसरी बात उसमें देखेंगे न्यूमेरिकल्स अपना मेन है। क्या क्या देखने वाले हैं आज, हम देखेंगे पूरी थ्योरी जो इलेक्ट्रिसिटी की है, कंसेप्ट क्विक रिविजन में थ्योरी देखने वाले हैं, और मेन जो हमारे क्रैश कोर्स का वो है फिजिक्स में, वो रहने वाला है अपना एक तो न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अपना जो मेन रहेगा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स अपनी रहेगी, हॉट्स अपने रहेंगे। ठीक है, हॉट्स अपने रहेंगे, और सबसे बड़ी बात पीआईक्यूज रहेंगे। ठीक है, बोर्ड के लिए इतना कर लेंगे अपन। ठीक है, कसम से यार, तो मान नहीं रहे, 90+95+ विश्वास तुम्हें करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 95+90+ तुम्हारे पक्के, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर रखना, न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम करेंगे, हॉर्स करेंगे, पीआईक्यूज करेंगे, तो अब शुरू करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, पहली बात इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ऐसा तो कुछ सुनाता नहीं, तुम बोर्ड क्लास के हो, तुम बच्चों वाले प्रश्न तो पूछेंगे नहीं, छठी क्लास वाले कि यार बताओ इलेक्ट्रिसिटी के पांच काम बता दीजिए, तो हम पांचवी क्लास के बच्चे तो नहीं है, तो लिखते हैं हम बल्ब जलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल रिचार्ज करेंगे, चार्ज करेंगे, ये तो नहीं चाहता ना। तुम्हें डैड पूछ देगा व्हाट इज चार्ज, तुमसे डैड पूछ लिया जाएगा व्हाट इज चार्ज, तुमसे अभी नहीं पूछा जाएगा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ये ड्राइव करके बताओ, और इसमें से एन की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, तुमसे बोला जाएगा, ठीक है, चार्ज क्या होता है, तुम बड़े प्रेम भावना से लिख दोगे, सर चार्ज याद आएगा, सर मेरे को चार्ज क्यू एन ही होता है, सर चार्ज ही होता है,
ठीक है। हाँ जी मैंने लिख लिया चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, ठीक है, और एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है सर। तो मुझे बताओ, चलो एन की वैल्यू निकाल के बताओ, ठीक है, अगर चार्ज एक किलो में, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तुम्हें बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, बहुत बार पूछा जाता है कि चार्ज मैंने बोल दिया 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, सबको पता होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू निकाल के बताओ, बहुत प्रेम भावना से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा भाई ये लाइट ही जल रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है, तुमसे क्यों पूछेगा, तुम फिफ्थ क्लास के हो, तुम हो ना दसवीं में, दसवीं की बातें करें, तुमसे ये भी बात नहीं कि तुम ट्वेल्थ में पूछा जाएगा, तुमसे बातें करेगा तो सिर्फ टेंथ लेवल की। चले शुरू करते हैं। अगर एक बात ध्यान रखो, अगर क्यों क्यों वन वन कूलम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अपने को पता है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, सबको पता है वैल्यू, सबको पता है, ठीक है, तो निकालते हैं। देखो एन को सबसे पहले निकालने की बात क्या है, क्यू बाई ई कर दू, ये तो छोटी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्यू बाई ई कर दू, ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। मैं यू क्यों कर रहा था, इसके ऊपर जोर क्यों डाल रहा हूं, दो नंबर का क्वेश्चन आता है, दो नंबर का क्वेश्चन आता है, क्यू एन इज इक्वल टू क्यू। देखो पहली बात, किसी को कुछ भी डाउट हो या फिर समझ में नहीं आया, रिवाइंड करो पीछे जाओ फिर से देखो, रिवाइंड करो पीछे जाओ फिर से देखो, ठीक है। क्यों कितने लिया मैंने, एक लिया 1 कूलम इलेक्ट्रॉन, अभी जस्ट बोला 1.6 × 10⁻¹⁹ कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत परेशानी जब तुम्हें नहीं है, यहां तक जब तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है तो क्या दिक्कत है, आगे लिखना शुरू करो। 1 बाय अगर मैं 60 करता हूं, इसको ले लेता हूं मैं 100, ठीक है, और इनको भेज देता हूं मैं ऊपर, इनको जब अगर मैं ऊपर भेजता हूं, अगर मैं इनको ऊपर भेज देता हूं तो मुझे एक बात मुझे बताओ, क्या 10⁻¹⁸ जाएंगे, ठीक है, एक भेजा क्योंकि मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 लगेगा। देखो पूरा समझाते हैं, पूरी चीज क्लियर रखते हैं, कोई भी आज एक भी चीज तुम्हें छूटना नहीं देंगे, मैं आगे लिखो, ठीक है, इसको माइनस में ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻¹⁹ अपॉन 1.6, पॉइंट हटाऊंगा तो भी ऊपर एक 10 चला जाएगा, ठीक है, 10 अपॉन 16, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सो हो जाए ताकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो, ठीक है, मजा आ जाए कैलकुलेशन में, ठीक है, तो मुझे सो करना है, इसके पास 19 जीरो थे, मैंने कहा भाई भिखारी हूँ, 1 जीरो दे, भिक्षाम दे अल्लाह के नाम पे, उसने 1 जीरो दिया और ये 100 हो गई, अब 100 होते ही ये अपने पास 16 का 16 रह गया, ये हो गया 10⁻¹⁸, वहां लिखो यहाँ लिखो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, ठीक है, तो कोई दिक्कत परेशानी है कि तुम के मैं वहां लिखूं या यहां लिखूं, कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पे 6.2 × 10⁻¹⁸, कोई दिक्कत परेशानी, एन की वैल्यू क्या निकल गया, एन की वैल्यू क्या निकल गया 6.2 × 10⁻¹⁸, कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें यहाँ पर, यहां तक तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा, तुमसे ये भी बोल दिया जाएगा कि एन की वैल्यू इतनी होती है कहां से निकली, तुमसे बोल दिया जाएगा चलो चार्ज पूरा डिफाइन कर दो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, चार्ज पूरा डिफाइन कर दो, तुमसे बोला जाएगा, तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 1 चार्ज कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताइए, चार्ज बताइए, पहले तुमसे पूछा जाएगा डिफाइन चार्ज, एक कूलम चार्ज वगैरह वगैरह, 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ये सब चीज तुमने लिख दी गिवन कर आगे, पक्के 3 नंबर यहां से तुम्हारे पक्के, ये क्वेश्चन तुम्हें आएगा इंपॉर्टेंट है, मेन चीजें हम देखने वाले हैं जो आ सकती है। अब मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसी चीजें नहीं देखेंगे ना, क्यों एनसीईआरटी में कितना लिखा है, अब हर चीज तो नहीं आती ना, ठीक है, एनसीईआरटी में कितना लिखा है हर चीज तो नहीं आती ना, वही बात है, ठीक है। अगली जो मेन चीज उठ के आती है प्रेम भावना से, वो है करंट, अगली जो चीज उठ के आती है वो होती है अपने पास करंट, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, ठीक है, सीधी सी बात है, हमसे छूता भी नहीं है, सही बात में देखो मैं ऊपर से लेकर नीचे तक जहां मेरे को बहुत ठंड लग रही है वहां तक मैं पूरा शरीफ हूँ, सकल से शरीफ हूँ, हर चीज से शरीफ हूँ,
इतना शरीफ हूँ कि मैं शरीफ नवाज शरीफ से भी ज्यादा शरीफ हूँ, तो इतनी शरीफी कहाँ लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, देखो मेरे शक्ल देखे तुम हंस सकते हो और अपनी बोरियत दूर कर सकते हो। ठीक है, ऐसा टीचर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि जिसकी शक्ल देख के ऐसी चल जाए। ठीक है, तो चार्ज में सीधी सी बात देखो, देखो करंट की सीधी सी बात क्या होती है, फ्लो नेट चार्ज इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज कॉल्ड करंट। मतलब कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, सीधी सी बात है। अब उनके पास क्या हो जाएगा, करंट सब सीधी सी बात है, पास क्यू बाई टी लिख सकता हूँ मैं, चार्ज अपॉन टाइम लिख सकता हूँ मैं, चार्ज अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है, यहाँ पे तुम्हें एसआई यूनिट देना बहुत जरूरी है। एसआई यूनिट देना तुमसे पूछ लिया जाता है एसआई यूनिट। ठीक है, एम्पियर चाचा जी के बारे में भी याद होना चाहिए हमें, एम्पियर चाचा जी के बारे में भी अपना हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दो चीजें बताता हूँ जहां तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, जहां पे तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, जहां तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। क्या दोनों चीजें, क्या है दोनों चीजें, देख ले बता दूं। एक होती है ये, ठीक है, और एक होती है ये। ये जब न्यूमेरिकल्स में तुम्हें दे दिए जाते हैं और तुमसे पूछा जाता है कि ये बना, चलो ये तुम्हें दे देगा पांच माइक्रो, पांच ऐसे लिख देगा पांच, ये बोल देगा सात, कुछ भी लिख देगा और इसके आगे लगा देगा, और तुम सोचने लग जाओगे यार माइक्रो क्या था, क्यों था, कैसे था, क्या लेने के लिए था। ठीक है, सीधी सी बात है, माइक्रो एम्पियर तब भी लगाओ, लगाओ 10^-3, ठीक है, मिनी एम्पियर जब भी लगाओ, और मिली एम्पियर जब भी लगाओ 10^-3 लगा दो, और माइक्रो एम्पियर तब भी लगाओ तब 10^-6 लगाओ। सारे तो मुझे पता है, पर कंफ्यूज हो जाती हूँ पेपर के टाइम, कंफ्यूज हो जाता हूँ सीधी सी बात देखो, अगर मैं इस तीन को 90 डिग्री पे घुमाऊं तो क्या ऐसा दिखेगा वो, फिर से देखो, अगर मैं इस तीन को कुछ ऐसे घुमाऊं, इसको इधर से यू घुमा दूं तो कैसा दिखेगा एम के जैसे। तो याद रखो, अगर चलो इसको मत घुमाओ, इसको घुमाने की इच्छा तुम्हारी हो ही नहीं रही, तुम्हें इच्छा हो ही नहीं रही, मैं तो इसको घुमाना चाहता हूँ, इसको घुमा दो ऐसे। तो याद रखना मिली एम्पियर, देखो रटने की बात नहीं थी, रटने की बात नहीं थी, बट कन्फ्यूजन बहुत बार होता है माइक्रो मिली में। ठीक है, और हम 10^-6 डाल के जाते, ऑप्शन होंगे तो वहां पे भी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि वो समझदार है, पेपर बनाने वाला भी समझदार है अपने से ज्यादा, उसको पता है कि ये माइक्रो को 10^-6 सोचेगा, मिली को 10^-6 सोचेगा। ठीक है, तो सीधी सी सोचो ना यार, एम को टेडा करो -3, जिस ऐसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे भी सबको अपने को सब बातें क्लियर हो जाती है, यहाँ पे भी अपने को सब बातें क्लियर हो जाती है। अब दो चीजें अपने पास देखो, अब किसी को लग रहा होगा कि भैया आप इतना फास्ट जा रहे हो, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा, आप इतना फास्ट जा रहे हो, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूं। लेट मी स्लो करके देख लो या उसमें क्या है, देखो मैं ऐसे ही मस्ती करता रहूंगा। ठीक है, स्लो करके देख लो, तुम्हारे यूट्यूब के कोने में 3 डॉट आ रहे हैं, वहां पे स्पीड का ऑप्शन है, ठीक है, प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है, आप या तो मेरे को बहुत ही स्लो करके देख लो, तो स्लो मोशन में दिखूंगा मैं ऐसा बोलता दिखूंगा, या फिर पूरा फास्ट, अगर देखो अभी तो नॉर्मल स्पीड में देख लो, जब तुम्हें रिविजन की जरूरत पड़ेगी क्विक स्पीड में देख लेना। ठीक है, तो बहुत आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद आ जाएगा, मजा आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ चीजें अपने पास तुम्हारे सामने में दो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, दो चीजें अपने पास, एक तो अपने पास हो जाता है एमीटर, एक होता है वोल्टमीटर। ठीक है, सीधी सी बात है, अगर वोल्टेज को जो मापेगा वो वोल्टमीटर हो जाएगा, एमीटर को जो मापेगा एमीटर हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत परेशानी है कुछ, हाँ कुछ दिक्कत परेशानी, अरे है नहीं है ना, फिर क्या दिक्कत परेशान, क्यों इतना हेडेक ले रहे हो, कितना क्यों इतना परेशान हो रहे हो, मेरे लाला हो, मेरे शेर और शेरनी हो, शेर एंड शेरनी हो, पता नहीं तुम शेर हो या शेरनी हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता यार तुम, पर कुछ तो हो तुम, ठीक है तुम कुछ तो हो, ये बात याद रखना। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का इनफाइनाइट पॉइंट हो गया, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस निकालते हैं बस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है जो कि अपने को याद होना चाहिए, W by Q फॉर्मूला बहुत जरूरी है जो अपने को याद होना चाहिए, जो अपने पास क्या है,
डब्ल्यू बाई क्यू, इसमें डब्ल्यू क्या है, देखो क्यू से क्यू को बताना मुझे पाप होगा, पाप होगा मुझे अगर मैं क्यू को बताऊंगा, पाप क्या बोलो क्या होगा मुझे पाप। देखो क्यू अपने पास क्या है, नेट चार्ज, पाप कर रहा हूं मैं, भगवान बचा लेना प्लीज, ठीक है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबके सब बहुत अच्छे हो, भगवान झूठ बोलने के लिए माफी, ऐसा हमारे सर करते थे, ठीक है ठीक है, ऐसा हमारे सर करते थे, वो क्या करते थे, पढ़ाते पढ़ाते तुम बहुत, तुम लड़कों लड़कियां सब बहुत अच्छी हो, अच्छे हो, फिर भगवान झूठ बोलने के लिए माफी, ठीक है सेम, अच्छा नहीं हो तुम गंदे हो, ठीक है। डब्ल्यू से हमेशा जन्म जन्मांतर से वर्क ही लिखते आए, और वी से यहाँ पर वोल्टेज नहीं लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का भाई है, पोटेंशियल डिफरेंस का निकनेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का निकनेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का निकनेम है, पोटेंशियल डिफरेंस का है निकनेम है। वोल्ट अपने पास यूनिट हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्ट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्ट, इसलिए लिखते हैं हम वी, इसलिए लिखते हैं हम वी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात में नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात में नहीं होनी चाहिए। चलो एक एक मेन चीज यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, डिफाइन वन वोल्ट, ठीक है, पर्सन नोट क्या आता है, डिफाइन वन वोल्ट, तुम्हारे पास पर्सन नोट क्या आता है, डिफाइन वन वोल्ट, तो तुमसे एक ही चीज पूछूंगा, और तुम्हें से एक ही चीज मैं जानना चाहता हूं, तुमसे एक ही चीज पूछूंगा मैं, और एक ही चीज जानना चाहता हूं, वो है क्या वर्क है, वर्क है जन्म जन्मांतर से उसको हम जूल लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, हम जब नाइन्थ में पढ़े थे, हम एट्थ में पढ़े थे, वर्क तब भी आता था, जब भी वर्क आता था, जब भी वर्क आता था, हम उसको किस में लिखते थे मेरे भाई, उसको हमेशा लिख देते थे, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ वन वोल्ट को, अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ वन वोल्ट को, ठीक है, तो मुझे बताओ जन्म जन्मांतर जून में लिख रहे थे नहीं लिख रहे थे, सर लिख रहे थे, सर लिख रहे थे, और कुलो अभी 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 चार्ज हो जाए, देखा नेट चार्ज हो देगा, मैं कुलोम में लिख रहा था, तो वन बाई वन सी कर दूंगा नहीं कर दूंगा, कर दूंगा नहीं कर दूंगा, कर दूंगा कर दूंगा, ठीक है, सीधी सी बात में बोलूंगा, एक जूल ऑफ वर्क अगर होगा एक कुलोम पर, तो क्या लिख सकते हैं, वो एक वोल्ट कहला सकता है या नहीं, और अगर यहाँ पे कुछ मापने वाली चीज है तो वोल्ट मीटर हो जाएगी, करंट वाली कंडीशन हमने देखी थी, करंट वाली कंडीशन हमने देखी थी एमीटर थी, और वोल्ट मीटर वाली कंडीशन में देखे वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वाली बात में देख रहे हैं हम, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज में देख रहे हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस वाली चीज में देख रहे हैं हम, बहुत प्यारे तरीके से वोल्ट कुछ, और तुमसे कभी कभार ना इतने खतरनाक प्रश्न तो पूछते ही, कभी बार इतने गंदे प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको पेपर देखते देखते हंसी चल जाती है, और फिर तुम्हारे मुझसे क्या एक ही एक ही एक ही एक ही शब्द निकलता है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, अब तुमसे पता है क्वेश्चन क्या पूछ देगा, कि भाई साहब तुम्हारे ना तुम्हारे पास तीन नंबर का प्रश्न तुम्हें देते हैं, और ये सर्किट ये जो है ना क्या नाम से सिंबल्स बना के बता दो, तो बहुत सारे सिंपल्स, अरे सिंपल सा यार, ये अपना सेल हो गया, ज्यादा वो जोड़ दो बैटरी हो गई, ज्यादा वो जोड़ दो बैटरी हो गई, अपने पास ये की हो गई, ये की को बंद कर दो स्विच हो गया, मतलब बंद कर दो की को, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहे हो, अगर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, वायर ज्वाइन हो गए, यहाँ पे ऐसा निकल गया वायर, उसके ऊपर खुद अक्के निकल गया, कुछ चीजें हैं ऐसी, कुछ चीजें हैं ऐसी जो तुमसे बोल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज मान लो एमीटर वोल्टमीटर पढ़ रहे थे, एमीटर वोल्टमीटर पढ़ रहे थे, अगर ए लिखा होगा, अगर ए लिखा होगा तो एमीटर, अगर वी लिखा होगा तो वोल्टमीटर, अगर ए लिखा होगा तो एमीटर, और वी लिखा होगा तो वोल्टमीटर, ये कभी कभार पूछ लेते हैं, मतलब जब उनकी इच्छा होती है ना आज मजा लेते हैं, और फिर अब हमसे एक ही चीज निकलती है, क्या गुंडा बनेगा, क्या गुंडा बनेगा रे तुम्हें भाई, ठीक है, तो अभी तक क्या क्या देख लिया हमने, अभी तक देखा चार्ज क्यों, अभी तक क्या देखा हमने चार्ज देखा, जहां पे हमने क्यूज कॉल्ड एन ही किया, एन की वैल्यू देखी हमने, एन की वैल्यू कहां निकाली हमने 6.2 निकाली हमने, जहां पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें पता नहीं 1.6, देखो कुछ वैल्यूज में तुम्हें लिखा दे देता हूँ, बहुत प्यारे तरीके से लिखा दे देता हूँ, ठीक है, 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, पीछे तुम लगा जो भी बोला, ठीक है, 6.2 × 10⁻¹⁸, ये सब मैंने प्रूव करके तुम्हें बताया, अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं हम, अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, क्यू इक्वल टू एन ही पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ठीक है ठीक है, क्यू इक्वल टू हम एन ही पढ़ चुके हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा था हमने, क्यू बाई बताइए क्यू बाई अभी सॉरी उल्टा लिख दिया, डब्ल्यू बाई क्यू अभी पढ़ चुके थे, ठीक है,
तो ये फॉर्मूले भी पढ़ चुके हैं, एमीटर वोल्टमीटर एम्पियर वगैरह हम सब कुछ देख चुके हैं। अभी तक इतनी सारी चीजें तो हम देख ही चुके हैं, उसमें तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलिए मैं एक पानी पी लेता हूँ, ठीक है, पानी पी लेता हूँ, छोटो सा ब्रेक। छोटा सा ब्रेक जाने से पहले मैं इनको बड़ा प्रेम से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम आराम से लोग, जब तुम पानी पी के आओ तुम इसको आराम से लिख लेना। 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है, याद रखना 1.6 × 10⁻¹⁹। अच्छा कूलम लगाना भूल गया, ठीक है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैं निकाला था, ठीक है, Q=NE। देखो इसका स्क्रीन शॉट ले लेना या फिर आप स्क्रीन रोक के इसका फोटो ले लेना। 6.2 × 10⁻¹⁸, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात याद होनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा था यहाँ से यहाँ तक चार्ज दिखाने का, उसके बाद हम करंट के बारे में देखा था, Q/T कह रहा था, और एक चीज याद रखी थी एम्पियर के बारे में याद रखा था, एम्पियर के बारे में याद रखा था, ठीक है, यहाँ पर जूल पर सेकंड बोल सकता हूँ मैं, कूलम पर सेकंड बोल सकता हूँ, याद रखना ये चीज। तो इसका देखो वोल्ट मीटर की हमने देखा था, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की बात देखी थी हमने, W/Q देखा था, जहां हमने देखा था एक वोल्ट की जब बात की थी हमारे पास जूल पर कूलम देखा था, जूल पर कूलम देखा था, ये तीन चीजें देखी थी। फिर हमने एमीटर के बारे में देखा था, हमने वोल्ट मीटर के बारे में देखा था, हमें कुछ चीजें याद रखी जी की यहाँ पे हमने एम्पियर को याद किया, यहाँ पे हमने वोल्ट को याद किया, वहां यहाँ पे हमने वोल्ट को याद किया। आप नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं पानी पी के आता हूं। ठीक है, लिख लिया होगा शायद तुमने, ठीक है लिख लिया होगा शायद तुमने, ठीक है, तुम्हें ये ऐसा महसूस कि बार बार नीचे का देखते, मैं देखता हूँ मेरे खुद को अपने आप को, हाँ मैं सही चल रहा हूँ ना, शकल देखता रहता हूँ मैं खुद हंस जाता हूँ ना, फिर मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग इधर भी देखती रहती है लैपटॉप में भी, मेरे को पता चल जाता है कि हमें सही है, I'm good, मैं सही कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, अरे मजाक सॉरी, ठीक है, अब चलते हैं हम सकेली ऐसी क्या करें, ऐसी चल जाती मेरे को, ठीक है, ओम जी के ऊपर अब चल रहे हैं जॉर्ज साइमन ओम जी के ऊपर, ओम जी ने एक बात बहुत प्यारी बोली थी, उन्होंने कहा था कि जो अपने पास जो वोल्टेज या वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने जो करंट है। कैसे उन्होंने कहा एक बहुत ही प्यारी बात कि जो अपने पास जो कंडक्टर वगैरह कुछ भी है, ठीक है, उसके दोनों एंड्स पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को देखता हूँ तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उनका कहने का मतलब क्या था, उनका सीधा सा मतलब ये था, ये वो ये कहना चाहते थे, अगर वो ये कहना चाहते थे तो अगर इस चीज का मैं ग्राफ बनाता हूँ, ओम्स लॉ का 5 नंबर प्रश्न बैठ जाता है, इस चीज का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो जब उन्होंने कह दिया कि V is directly proportional to I, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना V बढ़ाएंगे उतना I बढ़ेगी, जितना V बढ़ाऊंगा उतनी I बढ़ेगी, जितना I बढ़ाऊंगा जितनी V बढ़ेगी। तो जो ग्राफ आने वाला है बिल्कुल स्ट्रेट आने वाला है, समझ लो, क्यों आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर देखते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, ठीक है मैं सोचता हूँ इसको बंद कर देता हूँ, ये मैंने सोचा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि कौन सी लाइन आनी है, मेरे को नहीं पता, ठीक है, हम प्रूफ से बात करेंगे, हम चीज साबित करके साथ चलेंगे। उन्होंने बोला कि इतना यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ 5 बढ़ाया तो इधर भी 5 बढ़ाया, ठीक है, तो कुछ पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं आ पाएगा ना, मुझे बताइए एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, ठीक है, थोड़ा यहाँ 10 पहुंचा, यहाँ 10 पहुंचा, ठीक है ऐसे जितना इधर बढ़ा रहा हूं मैं उतना उधर भी बढ़ा रहा हूं, मतलब जितना ये बढ़ रहा है उतना उधर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो लाइन आने वाली, तो मतलब
समझ रहे हो ना, सीधी सीधी आएगी, ठीक है। तो लाइन आने वाली है बिल्कुल सीधी सीधी आएगी। तो एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, अगर आप ओम्स लॉ लिख रहे हो, तीन नंबर का पांच नंबर का प्रश्न आया और ये एक बना दिया ना, तो कसम से इतना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ जाएगा चेक करने वाले के ऊपर, मजा आएगा। चेक करने वालों क्या चाहिए? रिलीफ, उसको चाहिए होता है कि उसको तो चाहने को तो बहुत चाहिए होता है, मेरे मन में कुछ और आ गया था, ठीक है। चाहने को तो उसको बहुत कुछ चाहिए होता है, पर एक बात ध्यान रखो, उसको क्या चाहिएगा, ठीक है, उसको क्या चाहिएगा कि उसको देखो एक कॉपी के जितने पैसे मिलते हैं वो भी सोचेगा जितने पैसे, जितने ज्यादा पैसे वो कमा ले और निकल जाए वहां से, ठीक है। सब पैसे कमाएंगे पीछे पड़े हुए, ठीक है, एवरीवन, ठीक है। तो सीधी सी बात वो है, तो जितने ज्यादा कॉपी चेक कर लेगा तो उतना ज्यादा पैसे मिलेगा उसको, ठीक है, हर एक कॉपी के ऊपर पैसा होता है, ठीक है। तो दिखा, अरे वाह क्या ग्राफ बनाया, डायरेक्ट लिखा है, चलो पांच नंबर नहीं देंगे और लिखना पड़ेगा ना। तो उन्होंने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो चलो ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, अभी तक कौन सी कैलकुलेशन हुई है अपनी। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर कर देता हूँ, मैं R को कांस्टेंट लगा देता हूँ, मैं R को कांस्टेंट लगाता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करके R में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करके R में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करके V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, उसको मैंने V इज इक्वल टू आई आर कर लिया, जहां पर V अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I अपने पास करंट हो गया और R जो एक नया चीज निकला है, कॉन्स्टेंट में बोल सकता हूँ, ओम्स कॉन्स्टेंट में बोल सकता हूँ, बट उन्होंने इसका भी नाम दे दिया रेजिस्टेंस बोल दिया, उन्होंने इसका भी नाम दे दिया और उसको बहुत ही प्यारे शब्दों में उन्होंने उसको रेजिस्टेंस बोल दिया, बहुत ही प्यारे शब्द में उनको उन्होंने रेस्पेक्ट से बोलेंगे उन्होंने आयर दे दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं है। तो ओम जी थे, ओम जी खुद का नाम है, जैसे एम्पियर जी ने अपना नाम दिया एम्पियर, ठीक है, ओम जी भी अपनी असाइनमेंट में खुद का नाम देंगे। तो उन्होंने बोला कि इसका जो है ओम, इसका जो है ओम हो गया, और जो सिंबल इसका जो ऐसा सिंबल होता है, हर चीज का सिंबल होता है, वी का वी होता है, आई का ए होता है, आई का ए मतलब एम्पियर ने बनाया ना करंट, ठीक है। तो उन्होंने सीधी सी बात बोल दी, ठीक है। तो साइंटिस्ट पता नहीं क्या गजब इंसान थे यार, तो मैं भी लिखा लूंगा आकाश थ्योरम, आंसू थ्योरम, मतलब मजा आएगा, ठीक है। तो उन्होंने सीधी सी बात बोल दी, चलो ठीक है आप निकाल के बताओ। तो उन्होंने अब देखो आई को नीचे भेज देता हूँ, तो आर ओम इज इक्वल टू वी बाय आई हो जाएगा, वी बाय हो जाएगा, वी क्या अपने आवाज, वी क्या होता है, वी तो वी होता है ना, वी तो वी होता है, ठीक है, वोल्टेज होता है, और आई क्या हो जाता है अपने पास, आई क्या हो जाता है, ए हो जाता है, एम्पेयर हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको एलिब्रेशन करके आप लिख सकते हो, ऐसे 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 डॉट लिख दो, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और थोड़ा सा और लगा के ऐसा 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 करके एक डंडा बना दे, इसको रियोस्टेट कहते हैं। फिर तुमसे पूछ लेगा रेजिस्टेंस और रियोस्टेट में क्या फर्क है भाई, तो सीधी सी बात लिख देना, रेजिस्टेंस अमीर आदमी है, रियोस्टेट गरीब आदमी। क्या बोले सर? अरे रेजिस्टेंस को सब पूछते हैं, रियोस्टेट को कोई नहीं पूछता, रियोस्टेट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको बस इतना सा डिफाइन कर दो कि ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है रियोस्टेट, इसको कोई पूछता नहीं है, गरीब आदमी है, ये नेपोटिज्म का शिकार नहीं है, ठीक है, ये अमीर आदमी, अमीर घमारे नहीं, घराने से है, इसको सब पूछते हैं, रेजिस्टेंस है। अभी क्वेश्चन कर देखो, उसने भी क्या बोला कि आर रेजिस्टेंस हो गया अपने पास, उसने भी क्या बोला, हाँ ठीक है, हम जो कैलकुलेशन करने वाले हैं अभी, इतने सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सीरीज के पैरेलल वगैरह सब के करेंगे, तो उसने भी उन्होंने वो एक ही बात देखेंगे, रेजिस्टेंस बहुत अमीर है, सीधी सी बात है, रियोस्टेट बहुत गरीब है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया वो चीज देखो। अब यहां से कितने फॉर्मूले निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर निकल गया, R इज इक्वल टू V बाय आई लिख दिया, I इज इक्वल टू V बाय आर निकल गया, तीन चार फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से निकल जाते हैं, और यहीं से तुम्हें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इंग्लिश, भाई इंग्लिश नजर ना लगता है, ठीक है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है, आई अपने पास करंट हो गया, ओम जी ने कहा कि जो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना वी में बढ़ाऊंगा उतना आई बढ़ाऊंगा उतना वी बढ़ेगा। तो उन्होंने सीधी लगी खींच दी कि जय सियाराम, जय सीताराम, जय भोले, ठीक है, ये बहुत प्यारी चीज उन्होंने बोल दी। तुम मिटा दे, अगर तुम लिख लो तो मैं मिटाता हूँ, जल्दी से लिख लो फिर मिटा देते हैं, जल्दी से लिख लो मिटा देते हैं, जल्दी लिख लो।
ठीक है लिख लिया होगा यार, उसमें क्या दिक्कत है, लिख लिया होगा उसमें क्या दिक्कत है यार, तुम तो खतरनाक स्क्रीन रोक के भी लिख सकते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन, टाइम वेस्ट का मतलब क्यों टाइम बढ़ा रहे हैं, 45 मिनट दिए तुमने मेरे को, 45 से 50 एक घंटा डेढ़ घंटे मेरे को जितने भी दिए उतना ही वेस्ट करता हूँ ना मैं तुम्हारा, उतना ही वेस्ट करता है। क्योंकि एक और चीज देखो, एक और बहुत प्यारी चीज देखो, वी इज इक्वल टू द आई आर, तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अगर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर रेजिस्टेंस मैंने ज्यादा कर दिया तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर मैंने रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा सा देखो यार, सीधा सा देखो, I इज इक्वल टू होता है V by R, I इज इक्वल टू होता है V by R, होता है नहीं होता है, अगर मैं R को बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं करंट डाउन हो जाएगा, R को बढ़ाऊंगा तो करंट डाउन होगा, मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो करंट डाउन हो रहा है, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो करंट डाउन हो रहा है। ये बात याद रखना, ये बात बहुत प्रेम भावना से याद रखना, बहुत प्रेम भावना से याद रखना कि अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो आई घटेगा। क्यों होता है? क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात भी तुम्हें याद होनी चाहिए। अब एक 3 नंबर का प्रश्न और देख लेते हैं, कि रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं, फैक्टर्स अफेक्ट में क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आएगा तो 3 नंबर का सकता है, क्योंकि 3 ही जो कारण है अपने पास, लेंथ हो जी लेंथ हो सकती है, क्रॉस सेक्शनल जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, या फिर अपने पास एक चीज हो सकती है कि मटेरियल कौन सा है वो हो सकता है। आप पत्थर से इलेक्ट्रिसिटी भेजो वो बात अलग है, लोहे से भेजो वो अलग बात है, नाइक्रोम के तार से भेजो वो अलग बात है, कॉपर के तार से भेजो, तो सबकी अलग अलग बातें हैं, ये चीज याद रखना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, ठीक है, 3 तरीके हैं, क्विक रिविजन कर रहे हैं, ऐसा मुझे ना इतना फास्ट कहाँ जा रहे हो, अरे फास्ट फास्ट नहीं जा रहा भाई, तुम स्लो करके देख लो, ठीक है। इतना फास्ट फास्ट नहीं कराऊंगा तो हो गया क्रेश कोर्स। न्यूमेरिकल्स में बहुत, न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल फास्ट नहीं, पर क्विक रिविजन है, ठीक है। लेंथ की मैं बात देखूंगा, तो रेजिस्टेंस को मैं लेंथ से देखता हूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस होगा, जितनी लेंथ में बढ़ाऊंगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतना करंट कम होता जाएगा। अगर मैं तुमसे प्रश्न पूछा जाऊं, मैं तुमसे बहुत प्यारा प्रश्न पूछता हूँ, बताओ मुझे एक चीज बताओ, अगर मनी मन में सोचना, अगर मैं एक तार का बहुत प्रेम भावना से, बहुत प्रेम प्यारा प्यारा तार है, वो तार चल रहा है, बड़ा दौड़ रहा है, मस्त बड़ा काम कर रहा है, मैंने उसकी लेंथ बढ़ा दी, तो मुझे एक बात बताओ क्या करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट घटेगा बढ़ेगा क्या होगा बताओ। मैंने उस वायर की जो तार था, इतना सा था, मैंने इतना कर दिया, ठीक है, पहले यहाँ प्लग था, मैंने यहाँ चार्ज लगा रखा था मोबाइल, अब प्लग यहाँ पे है, मोबाइल वहां चार्ज लगा रहा हूँ, नहीं दिख रहा है क्या, हाँ वहां चार्ज लगा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ, पहले यहाँ था, अब यहाँ चार्ज लगा रहा हूँ, लेंथ मैंने बढ़ा दी, तो क्या करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, करंट पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इतनी सी बात मुझे अगर तुम बता दोगे तो आनंदमय हो जाऊंगा मैं। क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और थोड़ी देर पहले देखा कि अगर रेजिस्टेंस, यहां बता, लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ी तो करंट घटा, तो ये बात याद रखना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगी, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा ही घटेगा, घटेगा ही घटेगा। तो पहली बात हमने देख ली कि रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। नेक्स्ट चीज देखते हैं, दूसरा देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर जाते हैं हम, ठीक है। पहला हमने देखा, 3 थे ये, 3 थे जिसमें पहला हमने देख लिया, दूसरा हम चलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, ठीक है। दूसरा हम चल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, देखो राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, और वैसे मेरी शकल से राइटिंग भी, मेरी शकल से अच्छी है, पर ये बात याद रखना, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है, कि ये होता है बस इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब पहले मैं क्या कर रहा था, ये मेरे पास तार था, इतना सा था, मैं इसको इतना कर रहा हूं, अब ये तार है इसको मैं फुला रहा हूं, ठीक है। अब जो है, देखो करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन इधर से हिल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, करंट इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर भागे, वो दौड़ रहे हैं। अब
अब मैंने क्या किया यहाँ पे मोटा कर दिया, तो सीधी सी बात है अब मोटा कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डाउन हो गया। अब रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट ज्यादा आएगा। अगर मैं सीधी सी बात बोलू तुमसे, सीधी सी बात, अगर मैं यहाँ पर एक तथ्य निकालू तो इतना सा तथ्य निकल गया कि अगर मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा रहा हूँ, तो सीधी सी बात देखो रेजिस्टेंस है वो घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट चलते हैं मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तीसरा पॉइंट चलते हैं कि मटेरियल का जो नेचर वगैरह है वो क्या होती है, तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है, इसको हटाओ यहां रो लगा दो, इसको हटाओ रो लगा दो। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल होता है, जो तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, तुम्हें इसमें कुछ भी पसंद नहीं आएगा, पर डाइट लिख दो, डाइट लिख दो, क्या लिख दिया, इसको जब हम आते हैं उसमें इलेवंथ में बहुत बड़ा यूज है बेचारी सरों का, बहुत ज्यादा यूज है इसका, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका यूज है, तो याद रखना, ठीक है। मैं टोटल पूरा ऐसा कैसा लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। सीधी सी बात है, और रेजिस्टिविटी होती है हर एक चीज की अलग अलग होती है, मैं तुम्हें बता दूंगा हर एक चीज की अलग अलग होती है। इन तीनों को एक बार देख लो जल्दी से। अब रेजिस्टिविटी ऊपर चलते हैं, हम किसके ऊपर चल रहे हैं, रेजिस्टिविटी के ऊपर। अब किसके ऊपर चल रहे हैं, रेजिस्टिविटी, जिसको ये बोला जाता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं जल्दी से, इसको देख लेते हैं, चलो ये देख लेना। अब इनको तुम मारो गोली, ठीक है। रेजिस्टिविटी अगर ऊपर तुम्हें प्रश्न आ जाए, ठीक है, इम्पैक्ट डाल सकते हो तुम टीचर्स के ऊपर, इम्पैक्ट जितना डालोगे उतना मजा आएगा, वो उतना ज्यादा तुम्हें मक्खन नंबर देंगे, जितना परेशान कम करोगे उतना मजा लेंगे, ठीक है। अब चल रहे हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर, अभी बात की रेजिस्टिविटी, अभी जस्ट बात की ना रेजिस्टिविटी, वही तीसरा जो फैक्टर था, ठीक है। रेजिस्टिविटी में निकाल दी, R इक्वल टू क्या देखा था मैंने, मुझे बताओ R इक्वल टू क्या देखा था, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, देखा था नहीं, बताओ। अरे ये बात, ये देखा था तो क्या सोच रहे हो यार, सीधा सा निकोना, ये क्या हो गया, सॉरी रो निकालना है, रो क्या हो गया, उनके पास रो क्या हो गया, इसको इधर भेजो, इसको नीचे भेजो, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर ए ये क्या एल लिखो, आर क्या लिखते, आर होता क्या है, ओम होता है ना, ओम, ए क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर, ठीक है, एल क्या होता है, लेंथ होती है, लेंथ को मीटर में लिखते हैं ना, यहाँ मीटर, यहाँ किलोमीटर लिखूंगा तो किलोमीटर लिखूंगा, मीटर लिख रहा हूँ ना बहुत प्रेम से, एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इन द मीटर, तो क्या होता है 25 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो ठीक है, सीधी सी बात है, मीटर से मीटर को खल्लास करो, मीटर से मीटर को खल्लास करो, खल्लास चेक, तो क्या हो जाएगा, रजिस्टिविटी क्या आ गई पास, रजिस्टिविटी क्या आ गई पास, रजिस्टिविटी क्या आ गई, रजिस्टिविटी क्या आ गई, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए। अब हम देखने वाले हैं बहुत बड़ी बात, सीरीज पैरेलल देखने वाले, आई थिंक वो जो हमारी लास्ट चीज हो जाएगी, ठीक है। मैं एक और छोटा सा तुम्हें ब्रेक देता हूँ, पानी ग्लास सूख जाता है कसम से, प्लीज। अच्छा फोटो पहले से दिख गए ना, सीरीज देखने में, सीरीज पैरेलल, सीरीज में मैक्सिमम इफेक्टिव रहता है, ठीक है, अपने पास मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस रहता है अपने पास सीरीज वाला, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, तुमसे अगर प्रश्न पूछ ले जाए सीरीज के बारे में, तो पहले सबसे बड़े डाल देना हेडिंग सीरीज, और उसके आगे लिख देना बहुत मस्त चीज, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस लिखना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, यहाँ पे एक बात
पॉजिटिव से नेगेटिव अपने पास, पॉजिटिव से कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास जो करंट है आए है वो फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास आए करंट है फ्लो हो रहा है, होने दीजिए अपने को क्या है, करंट सब में सेम है, वोल्टेज सब में डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है, सीधी सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस सब में डिफरेंस है बट करंट सब में सेम है, आपने बताया फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमने पता है, हमने पढ़ा है, V इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर मैं देखूंगा V1 के लिए देखूंगा तो V इज इक्वल टू, अगर मैं V1 के लिए देखूंगा तो आई आर वन हो जाएगा, अगर मैं V2 के लिए देखूंगा तो आई आर टू हो जाएगा, अगर मैं V3 के लिए देखूंगा तो कहीं ना कहीं आई आर थ्री हो जाएगा, ठीक है, आई आर वन हो जाएगा, आई आर टू हो जाएगा, आई आर थ्री हो जाएगा, कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आई आर वन आई आर टू फॉर वी वन वी टू वी थ्री, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सही दिख रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, अगली चीज देखते हैं, अगर मैं टोटल इफेक्टिव निकालता हूं तो कहीं ना कहीं मैं वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं कहीं ना कहीं मेरे पास, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ठीक है, मैं कर लेता हूं, मैं कर लेता हूं, V की वैल्यू डालता हूं आई आर, डाल दू तुम्हारी इच्छा डाल दू, और देखो यही V की वैल्यू, V1 क्या डलेगी, V2 क्या डलेगी, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बात तो I बाहर निकल जाएगा और अंदर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्या ये बच जाएगा, मुझे बताओ क्या ये बच जाएगा, यही चीज बचने वाली है, तो ये बात याद रखो, तुम्हें पता होना चाहिए इतना क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सब्जेक्टिव बोर्ड में लिखना होता है तुम्हें, ठीक है, तो आई से आई को खलास करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कि R जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 है, रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा उसको मैं, मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ दूंगा, मैं क्या करूंगा इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ दूंगा, इसको प्लस इसको इसको जोड़ दूंगा तो अपने पास रह जाएगा, ठीक है, डिसएडवांटेज, दो डिसएडवांटेज क्या होते हैं वो सुनिए, या दो डिसएडवांटेज मैं बोलूंगा, पहली बात दो ही बताते हैं, दो ही पूछते हैं ज्यादातर, तीन नंबर या पांच नंबर का क्वेश्चन होता है सीरीज पैरेलल के बारे में पूछ लेंगे और डिसएडवांटेज या एडवांटेज पूछ लेंगे, डिसएडवांटेज अपने पास सीधी सी बात यही है क्या, अब देखो डिसएडवांटेज में रखूंगा, अगर सबको सीरीज में, इसमें इसमें टीवी जोड़ दिया आपने, यहाँ पे बल्ब जोड़ दिया, यहाँ पे फ्रीजर फ्रिज लगा दिया, अगले में कुछ भी लगा दिया, कूलर वगैरह एसी कुछ भी लगा दिया, ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ से खत्म हुई, अगर ये लाइन यहाँ से खत्म हो गई सब बंद, पूरे घर में बिजली ठप अगर यहाँ से बंद हो गई, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज देखो, अगर देखो यहाँ पे मोबाइल चार्ज लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे पास टीवी है, यहाँ फ्रिज है, यहाँ हीटर है, सबके लिए क्या पर्याप्त बिजली चाहिए होती है, क्या सबके लिए जो बिजली चाहिए होती है वोल्टेज चाहिए होता है, क्या सबके सब सबके लिए सेम चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है, तो ये भी एक सबको अलग अलग चाहिए होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है अपने पास सीरीज का, ठीक है, मूव टू द पैरेलल की तरफ चलते हैं अपन, ठीक है, वैसे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो रोकता हूँ और बनाता हूँ अच्छे से, ठीक है, ठीक है, पैरेलल का मैं दिखाई दे रहा है, पैरेलल का भी सीधा सा वही तरीका है, ठीक है, पहली बात तो पैरेलल में मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसलिए हम घरों में यूज करते हैं, इसको डिसएडवांटेज नहीं है, एक कुना लगाऊंगा, एक कुना लगाऊंगा, सबके अलग अलग बटन दे दूंगा तो सबसे अच्छी बात है, डिसएडवांटेज बहुत प्यारे प्यारे होंगे इसका, ठीक है, इसमें करंट डिफरेंट होगा, ठीक है, वो मैं चाहिए भी सही, सबको अलग अलग करंट देना है, मेरे को सबको एक करंट नहीं देना है, ठीक है, मेरे को हीटर को ज्यादा देना है, मेरे को मोबाइल कम में चार्ज करना है, ठीक है, सबको अलग अलग देना है, रेजिस्टेंस इसका सब होता अलग अलग होता है, ये तो करंट निकाल लेते हैं, पास V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आई इक्वल टू क्या होगा, V बाय आर, तो निकाल लेते हैं, तो आई वन आई टू आई थ्री देख लेते हैं, आई वन आई टू आई थ्री देख लेते हैं, आई वन को मैं अगर देखूंगा तो वी वन बाय आर वन, ठीक है, अगर मैं देखूंगा आई टू को, आई टू को अगर मैं देखता हूँ वी बाय आर टू, ठीक है, आई थ्री को देखता हूँ तो हो जाएगा वी बाय आर थ्री, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें है ही नहीं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं, अब सीधा सा कर लो, अब सीधा सा कर लो, V बाय R इज इक्वल टू, V बाय R इज इक्वल टू क्या करते हैं, V को यहाँ से कॉमन लेते हैं, V को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, V को ये इफेक्टिव हो जाएगा ना, ये इफेक्टिव है, ठीक है, कॉमन लेते हैं तो वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री,
ठीक है। तो सीधी सी बात, वी से वी को खलास करो, 1/r = 1/r1+1/r2+1/r3, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ये पैरेलल था, बहुत ही प्यारा पैरेलल था। अब जो टॉपिक आने वाला है बहुत खतरनाक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए तैयार हो जाइए। हीट 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 पावर वर्क एनर्जी, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। तो होता क्या है, सीधी सी बात देखो होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, अपने पास जो चीजें हैं, अपने पास जो चीजें हैं, चीजें मतलब कौन सी चीज, अपने पास कुछ देखो पूरा प्रोसेस क्या होता है, हीट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। शायद तुमको बताया होगा तुम्हारे टीचर लोगों ने, ये हीट कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इस बारे में देखते हैं एक बार, ठीक है। इस बारे में देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी और सेल की, ठीक है। बैटरी और सेल में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। वो तुम ट्वेल्थ में पढ़ो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होता है, ठीक है। तो बैटरी और सेल में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या हुआ, जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो तड़बड़ाने लगे, इलेक्ट्रॉन थे वो तड़बड़ाने लगे, और उन्होंने क्या कहा कि चलो करंट प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने क्या कहा चलो करंट, करंट को भी हिलाते हैं, हम तड़पेंगे तो तड़पेंगे, करंट को भी तड़पाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, करंट को भी तड़पाना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, करंट को भी तड़पाना शुरू किया। अब यार जो पास में थे ना एनर्जी इधर इधर, उन्होंने सोचा यार अगर ये तड़पने लग गए तो पूरा काम ही खराब हो जाएगा। उन्होंने सोचा जो इनको मेंटेन करने का काम करते हैं, उनको है ना अच्छे से खासे से रखने, लड़दड़ा के मरमरा जाएंगे यारे, तो पहली बात, ठीक है, मरमरा जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा, कुछ एनर्जी दी उनको, ठीक है, उनको कुछ एनर्जी दी, पार्ट ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी उनको दी। अब वो एनर्जी उन्होंने कंज्यूम की, जैसे कि अभी एनर्जी कंज्यूम का मतलब क्या है, जैसे अपना पंखा घूम रहा है, लाइट जल रही है, ये एनर्जी होगी। पर सीधी सी बात होगी कुछ ना, सभी एनर्जी तो यूज नहीं लेगी, पंखा घूम रहा है घूम गया, अब जो बाकी एनर्जी जो होती है जो निकल रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो निकल रही है, वो इसी वजह से अपने मोबाइल हीट हो रहे हैं, अपनी जो बल्ब को देखते हैं वो हीट हो जाता है, ठीक है, गर्म उसको देखते हैं ना, बहुत देर लगाने के बाद हटाते हैं कितना गर्म हो जाता है, हाय राम, ठीक है, समझ लो। तो यही चीज है, क्या चीज देखी हमने, फिर से देखना, शुरू से देखना, मेन चीज क्या देखा हमने, ये चीज देखना, सबसे पहले अपने पास एक बैटरी और एक सेल था, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ हुई, और इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स थे इधर से भोगना शुरू, इधर से तड़पना शुरू किए, और जैसे उनका तड़पना शुरू हुआ, उसी के साथ करंट भी तड़पना चालू हो गए, करंट भी तड़पना चालू हो गया। तो अब एनर्जी ने सोचा यार अगर ये तड़पना चालू हो गए, लड़ाई झगड़ा है, मेरे दोनों बेटे हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो घर का बंटवारा करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। तो उन्होंने सोचा एनर्जी देते हैं, एनर्जी से इनको कंट्रोल करते हैं, एनर्जी दी, पंखा चला, अपना बल्ब जलाया, ट्यूबलाइट जली, मोबाइल चार्ज होने लगा, सारी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो सकती वहां पे। तो रेस्ट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए उसने जो वो जो गैजेट था अपने पास, जो भी गैजेट था अपने पास, मान लेंगे पंखा कूलर जो भी था, वो पंखा हो गया अपने पास, कुछ भी होगा वो गर्म करना शुरू करते, इसलिए मोबाइल हो गया, कुछ भी हो गया गर्म होती वो चीज, ठीक है। अब बहुत सी चीज हम इनको यूटिलाइज भी किया जाता है, हीटर हो गया, ठीक है, इनमें इन चीजों को यूटिलाइज भी किया जाता है, ठीक है। तो हम अगर इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन देखने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत प्यारा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमसे पूछ लिया जाता है, और पूछते हैं 5 नंबर में तुमसे, हमेशा तुमसे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कौन सा प्रॉब्लम, ब्लैक, ठीक है, मैथमेटिकल उसमें देखते हैं। अब पहली बात मैंने देखा था, तुम्हें पहले बताया था कि ये चीज तुम्हें भूलना ही नहीं है, ठीक है, कुछ फॉर्मूले पहले बताए थे, तो ये तुम्हें पता है और मुझे, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो क्या, तो क्या मैं यहां पर W को V क्यों लिख दूं, किसी का पेट दर्द होगा बता दो मुझे, क्या किसी का पेट दर्द होगा, नहीं होगा ना यार, नहीं होगा, किसी का पेट दर्द नहीं होता ना, ठीक है। और नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पावर होता है, जितना काम किया कितने टाइम में जितना काम किया उसको पावर कहते हैं, वर्क डन मतलब जितना टाइम में हमने किया, ठीक है। और ये अलग इक्वेशन है, ठीक है। तो वर्क की अगर मैं यहां चाहूं तो क्या मैं वर्क की यहां पर वैल्यू डाल दूं, पावर हम पहले पढ़ चुके थे, कहां पढ़ चुके थे हम, जब वर्क पावर एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर, 9th क्लास में पढ़ रहे थे, तो ये चीज पढ़ चुके थे, पावर इज इक्वल टू W/T, ठीक है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, बीच में तुम लाइनें लिखते रहना अपने हिसाब से, ठीक है, ताकि इम्प्रेस पड़ता रहे, ठीक है। तो पावर अगर मैं लिखूंगा एक नए सीरीज में, तो यार W की वैल्यू यहां डाल दो, VQ/T, ठीक है। अब एक चीज याद रखो, मैंने शुरू शुरू में आज के दिन में पढ़ाया, I = Q/T, तो P = VI लिख सकता हूं क्या मैं, P = VI में क्या लिख सकता हूं क्या, बताओ,
क्या मैं P इज इक्वल टू वी आई लिख सकता हूं? क्या मुझे बताओ। ठीक है, अब हीट क्या होगा? हीट क्या होगा कि मैंने कितने टाइम तक उसको पावर दिया। हीट ये होगा ना कि मैंने कितने टाइम तक उसको पावर दिया, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हीट क्या हो जाएगा कि मैंने कितने टाइम तक उसको पावर दिया, कितने टाइम तक उसको पावर दिया, कितने टाइम तक उसको पावर दिया। समझ में बात, कितने टाइम तक उसको पावर दिया, हीट तो ये हो जाएगी ना। और पावर को जस्ट अभी मैंने पढ़ा, पावर को अभी जस्ट मैंने पढ़ा, पावर को अभी जस्ट मैंने पढ़ा, पावर क्या है, पावर को जस्ट अभी मैंने पढ़ा वी आई है। अभी देखा ना मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा पावर क्या है, पावर क्या है वी है। और वी को मैं क्या आई आर भी लिख सकता हूँ, वी को क्या मैं आई आर भी लिख सकता हूँ क्या, वी को क्या मैं आई आर भी लिख सकता हूँ, आई आर भी लिख सकता हूँ क्या, वी को क्या मैं आई आर भी लिख सकता हूँ क्या, वी को क्या मैं आई आर भी लिख सकता हूँ क्या, मुझे बताएंगे। तो अगर मैं वी को आई आर लिख देता हूँ, अगर मैं वी को आई आर लिख देता हूँ, वी को आई आर लिख देता हूँ, वी इक्वल टू आई आर होता है ठीक है इनटू टी, तो क्या फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी नहीं बन जाएगा? क्या फॉर्मूला वी आई स्क्वायर आर टी नहीं बन जाएगा क्या, मुझे बताओ। और एक और प्यारी चीज यहाँ पे है, एक बंद होना यार, बंद बंद। हाँ, एक और बहुत प्यारी चीज यहाँ पे होती है अपने पास, वो क्या होती है, इसको बोला जाता है जूल्स लॉ। ठीक है, इसको बोला जाता है जूल्स लॉ। ठीक है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है जूल्स लॉ। ठीक है, इसको बोला जाता है जूल्स लॉ। ठीक है, इसको बोला जाता है जूल्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बातें पता चलने में, यहाँ पे क्या क्या बात चली, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या क्या बातें पता चली, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या हीट, अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो उसका दोगुना बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है, सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पर एक भी इक्वेशन ऊपर नीचे करता हूं तो पूरा जफरा बढ़ जाएगा। फिर से एक बार बताता हूँ कैसे निकल गया है, अपने को पता था वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, अपने को पता है, तो यहां से मैं डब्ल्यू को क्यू को इधर भेज दूं, वी क्यू हो गया। ठीक है, पावर वर्क डन अपॉन टाइम, जन्म जन्मांतर से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जन्म जन्मांतर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, और ये W की वैल्यू VQ मैंने यहां से पुट कर दी, ये W की वैल्यू VQ मैंने यहां से पुट कर दी यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। फिर मैंने अभी आज की क्लास में पढ़ाया था कि Q by T क्या होता है, I होता है, तो P इज इक्वल टू VI हो गया, एच इंटू PT, जितना टाइम में जितना पावर देंगे वही तो हीट होती है। ठीक है, तो P की वैल्यू VI, इस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर पुट करी मैंने, P इक्वल टू VI आई, तो VI इंटू T हो गया। V का मैं बताया ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR होता है, यहाँ लिख देना कोने में कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, देखो मैं कितना थक गया हूँ। ठीक है, होता है तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, इंटू T हो गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, जूल्स लॉ हो गया आपके पास। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, क्या क्या बातें आपको क्लियर, एक बार जल्दी से उतार लीजिए इसको। ठीक है, समझ में आ गया, यहां से क्या क्या चीजें निकल आ रही है, P इक्वल टू VI निकल के आ रहा है, V को मैं IR लिख दूंगा तो P I स्क्वायर R भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ दिक्कत परेशानी तुम्हें नहीं होनी चाहिए। एनर्जी का मैं बोलूंगा, एनर्जी बोलूंगा P into T, हीट को मैं एनर्जी बोल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए। ये बहुत सारी चीजें हमने देखी आज, बहुत सारी चीजें देख ली, ऊपर से नीचे इतने सारे फॉर्मूले देख लिए, 45 मिनट की क्लास अपनी खत्म होती हुई। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखो इसी से बात, कमेंट करना मत बोलना, क्योंकि पेट दर्द करने लग गया है। ठीक है, पाँव दर्द कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर तुम्हारे कमेंट को पढ़ देते ना, जोश आ जाता ना, क्या बोले। ठीक है, तो कल करेंगे इसमें, आज जब चैप्टर इतना जल्दी एक दिन में, देखो इतना बड़ा चैप्टर एक दिन में खत्म कर दिया, क्योंकि रिवीजन के साथ सब कुछ के साथ क्या क्या आ सकता था, सब कुछ के साथ। तो
कल इसके करने वाले इम्पोर्टेंट क्या क्या करने वाले कल तुम्हें फिर से बता दू, मैं कल फिर से बता दू, आज फिर से बताता हूँ क्या कल क्या करने वाले हैं। पीआई क्रूज करने वाले हैं हम, इसके हॉर्स करने वाले हैं, इसके इम्प करने वाले हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पलर के प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। बताओ इसमें से ज्यादा कोई कहाँ से दे देगा, इससे ज्यादा कोई कहाँ से दे देगा, ठीक है। और जब मैं पुणे का काम कर रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप भी पुणे का काम करें, आप भी पुणे का काम करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, मिलते हैं, तब तक ले राम राम, धन्यवाद, बाय बाय। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या अगली वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बता के लिए। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, जय हिंद।